Subscribe my channel, click on that red subscribe button and hit on that bell icon to see my latest videos fast. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपा बारुई। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक दुर्गा पूजा का बहुत ही फेमस स्नैक्स निमकी का रेसिपी लेके आई हूँ। बंगालीज लोग दुर्गा पूजा में निमकी बनाता ही है, पर ये निमकी जनरली ऑल पर्पज़ फ्लावर मतलब मैदे से बनता है। और मैदा एक हेल्दी सीरियल नहीं है, ये अनहेल्दी है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ही हाई है और इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत ही लो है। तो मैं यही निमकी बनाऊंगी, पर मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाऊंगी। मैं थोड़ा इसे हेल्दी वे में बनाने वाली हूँ आज। तो आइए इस निमकी को हेल्दी वे में कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इधर एक कप गेहूं का आटा लिया है। नॉर्मल जो व्हीट आटा होता है वही मैंने लिया है। हाफ कप मैंने लिया है ज्वार का आटा, ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। और मैंने लिया है हाफ कप ओट का आटा। मैंने नॉर्मल ओट को घर पे ही मिक्सी में ग्राइंड करके उसका आटा बना लिया है। आप जितने अमाउंट का गेहूं का आटा लेंगे उसका हाफ अमाउंट आपको ज्वार एंड ओट का आटा लेना है। और मैंने लिया है ब्लैक तिल, इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। तिल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रहता है, तो ये आपके खाने में इंक्लूड करना बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। और आपको चाहिए टेस्ट वाइज सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं यूज़ करूँगी, इससे बहुत ही एक चटपटा टेस्ट आता है इसमें। और आपको आटा लगाने के लिए चाहिए थोड़ा सा ऑयल, मैंने सर इधर रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आइए आटा लगा लेते हैं। तो मैं देखिए इधर सब कुछ इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स्ड कर लिया है। इसमें मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने इधर बेकिंग सोडा यूज़ किया है, जो मैं इंग्रेडिएंट दिखाने के टाइम दिखाना भूल गई। एकदम थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया है। अभी मैं थोड़ा ऑयल देके इसको अच्छे से मिक्स्ड कर लूँगी। फिर उसके बाद नॉर्मल हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पानी देके मैं इसका एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। ज्वार में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर रहता है, ओट में भी बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है, और ज्वार और ओट दोनों का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, इसीलिए ये बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। मैदे में एक्चुअली बहुत कम मात्रा में डाइटरी फाइबर रहता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ही हाई होता है, इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसे खा सकते हैं। देखिए मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लेके एक कोट दे रही हूँ और फिर इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दूँगी। और इसी बीच में मैं गैस पे कढ़ाई बिठा दिया है और उसको गर्म होने के बाद मैं उसमें फ्राई करने के लिए ऑयल डाल रही हूँ। मैं इसे रिफाइन ऑयल में ही फ्राई करूँगी और बस ऑयल को मैं अभी गर्म करने वाली हूँ। तो ऑयल जब तक गर्म हो जाए तब तक आइए हम लोग निमकी बना लेते हैं। हमारा आटा सेट हो गया है, देखिए ये एकदम सॉफ्ट बना है। अभी इसे जस्ट हम लोग जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे ही आपको थोड़ा ऑयल देके इसको रोटी जैसे आपको बेलना है। बस रोटी जैसे बेलने के बाद इसे आपको नाइफ़ के मदद से कट करके, जो हमारा निमकी का जो शेप होता है थोड़ा स्क्वायर टाइप का शेप होता है, वैसे आपको इसे छोटा छोटा करके नाइफ के मदद से कट कर लेना है। देखिए मैंने जो इसे छोटा करके काट के जो निमकी का शेप होता है वैसे इसे कट लिया है। अभी मैं सारे निमकी ऐसे ही बना लूँगी और फिर मैं इसे ऑयल में फ्राई करूँगी। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, बस अभी इसके अंदर एक एक करके मैं ये डाल के इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ज्वार का जो आटा होता है वो ग्लूटेन फ्री भी होता है, तो अगर आपको किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो आप जो मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है उसके बदले में आप सिर्फ इसे ज्वार के आटा एंड ओट ये देके भी बना सकते हैं। देखिए ये फ्राई हो गया है। अभी मैं इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर ले लूँगी ताकि इसके जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और ऐसे ही मैं सारे निमकीज़ गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी।
ये स्नैक्स खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम क्रंची टाइप का इसका टेस्ट आता है। और इसमें हमने तीन सीरियल यूज़ किया है, आटा यूज़ किया है, ओट यूज़ किया है, ज्वार यूज़ किया है, तो ये एक मल्टीग्रेन स्नैक्स बन गया जो काफ़ी हेल्दी है। तो आप दुर्गा पूजा में ज़रूर इसे बनाइए और इसे खाइए और इसे एंजॉय कीजिए। देखिए ये बन के रेडी हो गया है, ये बहुत ही क्रंची बनता है, एकदम ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे बना के ये कैसा बनता है उसका अनुभव आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके शेयर कीजिए। और दुर्गा पूजा में ये बना के अपना दुर्गा पूजा हेल्दी वे में स्पेंड कीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सब दुर्गा पूजा में हेल्दी रहे, हेल्दी वे में अपना दुर्गा पूजा को स्पेंड कीजिए। और आप इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये एकदम क्रंची रहता है, अच्छा रहता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब लोगों को मेरे तरफ से शारदीय शुभेच्छा। दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।